नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, मैंने 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया है ना। और इसमें मैंने 1st एंड 2nd चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। अब हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 3rd पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है बच्चों? रिलीजियस सिंथेसिस। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का मतलब समझाती हूँ कि रिलीजियस सिंथेसिस मतलब होता क्या है। सो बच्चों देखो, रिलीजियस मतलब क्या होता है? धार्मिक। ओके, रिलीजन सुने होगे आपने, तो रिलीजन मतलब क्या होता है? धर्म। और रिलीजियस मतलब धार्मिक। सिंथेसिस मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे जब अलग अलग धर्मों के लोग, सभी लोग एक साथ मिलजुल करके रहते हैं, तो वही क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं इस लेसन को। तो यहाँ पर देखो बच्चों, अगर मैं इंडियन सोसाइटी की बात करूँ, तो यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है ना। सबकी भाषाएं अलग होती है, सबके धर्म अलग होते हैं कि नहीं? देखो यहाँ पर यही दिया गया है कि डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस एंड रिलीजन इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, राइट। अब इसी कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रख करके जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने क्या किया है? प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म इसको अडॉप्ट किया है। समझ में आ रहा है? सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? देखो, किसी के साथ भी धर्म के आधार पर भेदभाव ना करना। जैसे जो हमारा शासन है, ठीक है, वो किसी भी रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं दे सकता कि ये बड़ा है ये छोटा है, नहीं। ठीक है, सब लोग उसके लिए क्या है? समान है। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। ओके, तो ये तो हमने अभी मॉडर्न टाइम्स की बात की। ओके, अगर मिडिवल पीरियड की बात करूँ, जब मिडिवल पीरियड था, तो उस टाइम पे भी ऐसे प्रयास किए गए थे जिससे क्या हो कि जो लोग हैं, ठीक है, वो मिलजुल करके रह सके। ऐसा ना हो, मतलब किसी के मन में ऐसा भाव ना आए कि ये जो हमारा जो भी शासन है वो क्या कर रहा है, किसी एक धर्म को प्रायोरिटी दे रहा है, उसको मतलब उसको मुख्य मान रहा है, ऐसा नहीं। ओके, तो इस तरह से मेडिवल पीरियड में भी क्या किए गए थे? प्रयास किए गए थे। तो उन्हीं को हम यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, देखो यहाँ पर दिया गया है ना, मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, इन मेडिवल पीरियड मेडिवल इंडिया टू अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग अबाउट रिलीजियस सिंथेसिस इन सोशल लाइफ वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल। देखो, जो मैंने आपको बताया, मतलब मेडिवल इंडिया में भी ये प्रयास किए गए कि कैसे भी करके लोगों में सिंथेसिस आए। इट मीन्स सब लोग एक साथ मिलजुल करके रहे, इसके लिए प्रयास किए गए। अमंग दिस एफर्ट्स, अभी उन प्रयासों में देखना, द भक्ति मूवमेंट एक भक्ति मूवमेंट था, एंड सिखिज्म एंड सूफी सेक्ट हैव अ सिग्निफिकेंट प्लेस। मतलब ये तीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस था। दिस डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ थॉट अरोज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और ये जो थॉट था ना, ये इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में क्या हुआ बच्चों? अरोज हुआ, मतलब उसका उदय हुआ। दे इम्फेसाइज हारमनी बिटवीन द डिफरेंट सेक्ट्स एंड रिलीजन्स अलॉन्ग विद डिवोशन ऑफ गॉड। वी शैल स्टडी देम इन दिस चैप्टर। देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो भी प्रयास किए गए थे, ठीक है, इनकी कोशिश क्या रहती थी कि जो डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं वो भगवान की भक्ति के साथ साथ उनके बीच में क्या हो? हारमनी, मतलब सभी एक साथ मिलजुल करके रहें, कोई भी किसी से झगड़ा ना करे, ठीक है, जैसे दुश्मनी हो जाती है ना, तो वैसा कुछ भी ना हो। इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर बात करूँगी नेक्स्ट पैराग्राफ की। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, चलो पढ़ते हैं। देखो, इनिशियली स्टार्टिंग में क्या हुआ था? रिचुअल्स एंड ब्रह्म ज्ञान वर ग्रेटली एम्फेसाइज्ड इन द इंडियन रिलीजियस लाइफ। देखो, ये इंडियन रिलीजियस लाइफ थी, मतलब इंडियन रिलीजियस लाइफ, इंडियन भारतीय धार्मिक जीवन, ठीक है। तो उस टाइम पे एकदम स्टार्टिंग की बात हो रही है, तो रिचुअल्स और ब्रह्म ज्ञान, ठीक है, इस पर ज़्यादा जोर दिया गया था, ठीक है। इन द मेडिवल पीरियड दे गेव वे टू भक्ति मार्ग द पाथ ऑफ डिवोशन। और मेडिवल पीरियड में कौन सा वे दिया गया, कौन सा मार्ग दिया गया? भक्ति मार्ग, द पाथ ऑफ डिवोशन, भक्ति का मार्ग, ठीक है। भक्ति मार्ग डिड नॉट गिव अनड्यू इम्पोर्टेंस टू हायरार्कीज विच फर्दर फैसिलिटेटेड रिलीजियस सिंथेसिस। देखो बच्चों, क्या हुआ था, ये जो भक्ति मार्ग था ना, इसमें अधिकार को लेकर के, ओके, अधिकार को लेकर के कोई भी भेदभाव नहीं था। विच फर्दर फैसिलिटेड रिलीजियस सिंथेसिस, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो रिलीजियस सिंथेसिस है वो बढ़ा, मतलब लोग मिलजुल करके रहने लगे आपस में। इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया वी फाइंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द पाथ ऑफ डिवोशन अकॉर्डिंग टू द लोकल सिचुएशन देयर।
देखो बच्चों, उसके बाद क्या होता है कि जो डिफरेंट रीजन्स थे इंडिया के, वहाँ पर अलग अलग फॉर्म्स में भक्ति के मार्ग क्या हुए, इनका उदय हुआ, ठीक है, वहाँ पे लोकल सिचुएशन के हिसाब से। ओके, द भक्ति मूवमेंट यूज्ड द कॉमन पीपल्स लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ संस्कृत। देखो जो भक्ति मूवमेंट था ना, ये क्या करता था, मतलब इसमें जो कॉमन पीपल थे, जो आम आदमी थे, उनके लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाता था इंस्टेड ऑफ संस्कृत, मतलब संस्कृत को यूज़ करने की बजाय। दिस हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, जिसकी हेल्प से क्या हुआ, जो रीजनल लैंग्वेजेस थे, मतलब जो प्रादेशिक भाषा थी, उनका डेवलपमेंट, मतलब उनका विकास हुआ। अब यहाँ पर हम भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या दिया गया है कि इट इज़ बिलीव दैट भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया। मतलब ऐसा माना जाता है कि भक्ति मूवमेंट, ओके, स्टार्ट कहाँ पर हुआ था बच्चों, साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ था। द नैनार एंड आलावार भक्ति मूवमेंट्स एमर्ज्ड इन दिस रीजन, और इसी रीजन में नैनार और आलावार भक्ति मूवमेंट्स, इनका क्या हुआ था, उदय हुआ था। द नैनार्स वर डिवोटीज ऑफ शिवा वाइल द आलावार्स वर डिवोटीज ऑफ विष्णु। देखो जो नैनार्स होते थे ना, ठीक है, ये जो नैनार भक्ति मूवमेंट्स थे, ये किनके भक्त होते थे, मतलब किसके पूजा अर्चना करते थे, शिव की, और आलावार्स विष्णु की। ओके, देयर वर ऑल्सो अटेम्प्ट टू कंसिडर शिवा एंड विष्णु एज वन एंड द सेम एंड ब्रिंग देम टुगेदर। मतलब ये जो दोनों थे, कौन, नैनार्स और आलावार्स, इनको एक करने के लिए, इनको एक साथ लाने के लिए, मतलब ऐसा बताया गया कि विष्णु और शिव, ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों क्या है, सेम चीज़ें हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं है, दोनों क्या है, बराबर है। इस तरह से प्रयास किए गए उनको साथ में लाने के लिए। फिर क्या हुआ, देखो, हरिहर आइडल्स विच डिपिक्ट हाफ विष्णु एंड हाफ शिवा वर प्रोड्यूस्ड इन दिस पीरियड ऑन अ लार्ज स्केल। देखो एक ना आइडल इस टाइम पे क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया, जो कैसा होता था, मतलब जिसका नाम हरिहर था, ठीक है, उसमें क्या होता था, हाफ ना विष्णु विष्णु रहते थे और आधा कौन रहते थे, शिव रहते थे, ठीक है, इस तरह से लार्ज स्केल पे उसको प्रोड्यूस्ड किया गया। ओके, पीपल बिलोंगिंग टू ऑल सोशल स्ट्रट हैड पार्टिसिपेटेड इन द भक्ति मूवमेंट्स। मतलब जो लोग थे, जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के या फिर कास्ट के थे, ये सभी लोगों ने भक्ति मूवमेंट में क्या किया, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ओके, और इन्होंने किसकी शिक्षा दी, ये जो भक्ति मूवमेंट्स थे, इन्होंने किसकी शिक्षा दी, लव ऑफ गॉड, गॉड से प्रेम, ह्यूमिनिटी मतलब मानवता, कंपैशन, कंपैशन मतलब क्या होता है बच्चों, सहानुभूति, मतलब एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना, ठीक है, किसी को कोई दुख है तो उसका दुख बांटना, मर्सी मतलब प्रेम करुणा, इन सारी चीज़ों की इन्होंने शिक्षा दी, ठीक है, इन्होंने सभी अच्छी अच्छी बातें ही सिखाई, किसी ने भी कुछ भी गलत नहीं सिखाया, ठीक है। रामानुज एन अदर आचार्य स्ट्रेंथन द बेस ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया। देखो रामानुज और जो भी अदर आचार्य थे, जो भी दूसरे आचार्य थे, इन्होंने क्या किया, साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट के बेस को, उसके आधार को मजबूत किया। दे टोल्ड पीपल दैट गॉड इज़ फॉर ऑल। वे क्या कहा करते थे कि भगवान सबके लिए है, गॉड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, भगवान किसी में भी अंतर नहीं करते, भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है। और इनकी टीचिंग्स की वजह से क्या हुआ, नॉर्थ इंडिया में भी ग्रेट इम्पैक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। ओके, चलो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्या पढ़ना है, देखो संत रामानंद के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो संत रामानंद ने क्या किया, जो भक्ति मूवमेंट था ना, इसको स्ट्रेंथ किया, इसको मजबूत किया नॉर्थ इंडिया में। ओके, अभी संत कबीर का यहाँ पे वर्णन आता है, तो संत कबीर भी भक्ति मूवमेंट के जाने माने संत माने जाते हैं, ठीक है। और ये जो संत कबीर जी थे, ठीक है, ये ना जैसे तीर्थ यात्रा होती है ना, कहीं पे यात्रा करने के लिए जाते हैं या फिर कोई व्रत करते हैं, ठीक है, और मूर्ति पूजा करते थे, तो इन सब से वो बिल्कुल भी अटैच नहीं थे, इन सब के वो खिलाफ रहते थे, ठीक है। मतलब ये क्या कहते थे कि मैं मूर्ति पूजा या फिर किसी व्रत या फिर किसी यात्रा में विश्वास नहीं रखता हूँ। ये किस में विश्वास रखते थे, किस में विश्वास रखते थे, वो कहते थे कि सत्य ही क्या है, भगवान है, ट्रूथ वॉज गॉड, समझ में आया। वो क्या कहा करते थे कि सत्य ही क्या है, भगवान है, अगर आप सत्य बोलते हो तो समझ लो कि भगवान आपके क्या है, साथ है, ठीक है। ये मतलब जो आंखों से दिखाई देने वाली चीज़ें होती है, जैसे कि तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, फिर मूर्ति पूजा करते हैं, कोई व्रत करते हैं, तो ये सभी ये नहीं मानते थे।
ही टॉट दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, उन्होंने क्या बोला कि सभी ह्यूमन बींग्स क्या हैं, इक्वल हैं। वो किसी के साथ भी कास्ट, क्रीड, सेक्शन, रिलीजन या फिर किसी के आधार पर भी भेदभाव नहीं करते थे। वो क्या चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों क्या हो जाएं, एक हो जाएं, दोनों को एक करना वो चाहते थे। देखो यहाँ पे लिखा गया है ना कि ही वॉन्टेड टू ब्रिंग अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी, समझ में आया। ही क्रिटिसाइज द एक्सट्रीमली ऑर्थोडॉक्स पीपल इन द बोथ इन बोथ हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन्स इन स्ट्रॉन्ग टर्म्स। मतलब क्या हुआ इसका, जो हिंदू मुस्लिम के कट्टर लोग थे, इन्होंने उनको क्या किया, मतलब बहुत फटकारा अपने पदों के माध्यम से, अपने दोहों के माध्यम से। आपको पता होगा कबीरदास जी के दोहे, आप जानते होंगे, है ना। चलो अब आगे देखो, तो इन बंगाल चैतन्य महाप्रभु अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ कृष्ण भक्ति। अब बंगाल में ना कृष्ण भक्ति के मतलब जो महत्व है, कृष्ण भक्ति का जो महत्व है बंगाल में किसने फैलाया, तो चैतन्य महाप्रभु जी ने फैलाया। ये ना कृष्ण भक्त थे, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु जी, प्रभु जी। ड्यू टू हिज टीचिंग्स पीपल ज्वाइन द भक्ति मूवमेंट इन ट्रांसेंडिंग द बाउंड्रीज ऑफ कास्ट एंड क्रीड। देखो बच्चों क्या हुआ, इनकी वजह से, मतलब इनके टीचिंग्स की ही वजह से जो लोग थे उन्होंने जाति धर्म की सभी बेड़ियों को भूल करके भक्ति मूवमेंट में पार्टिसिपेट, मतलब इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अंडर हिज इन्फ्लुएंस शंकर देवा स्प्रेड द भक्ति मूवमेंट इन आसाम। और इन्हीं के मतलब अंडर में जो शंकर देवा थे, इन्होंने क्या किया, भक्ति मूवमेंट को आसाम में भी फैलाया। अभी नरसिंह मेहता की यहाँ पे बात आ गई, देखो यहाँ पे सभी संतों की ही बात की गई है। पहले हमने कबीरदास जी का देखा, फिर रामानुजन, ये सभी लोग क्या है, संत हैं, ठीक है। और मैं बात करूँ अगर श्री चैतन्य महाप्रभु जी की, फिर यहाँ पे नरसिंह मेहता, ये भी एक संत थे। इनको भगवान श्री कृष्ण मतलब इनको ये ना भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे, ठीक है। तो नरसिंह मेहता वॉज रिनॉल्ड वैष्णव संत इन गुजरात, ठीक है, गुजरात के ये संत थे। ही वॉज एन आर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्ण भक्त, मतलब ये कृष्ण भक्त ये ना बहुत उच्च कोटि के, ठीक है। देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है आर्डेंट, आर्डेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, एकदम उच्च कोटि के, ठीक है, कृष्ण भक्त थे। ही गेव द मैसेज ऑफ इक्वलिटी, और इन्होंने भी इक्वलिटी की ही शिक्षा दी। देखो जितने भी संत हुए ना, इन्होंने आपको कुछ भी गलत सिखाया ही नहीं, सब ने आपको इक्वलिटी की शिक्षा दी। भगवान से प्रेम करो, सब लोग मिलजुल करके रहो, कोई किसी से झगड़ा ना करे, सब लोग अच्छे से रहे, सभी धर्म समान हैं, ठीक है। इस तरह से इन्होंने शिक्षा दी है, किसी ने भी कुछ भी गलत नहीं सिखाया है। ही गेव द मैसेज ऑफ इक्वलिटी, ये तो मैंने आपको बता दिया। और ही इज़ नोन एज द फर्स्ट पोएट ऑफ द गुजराती लैंग्वेज, मतलब इनको किस लिए जाना जाता है, फर्स्ट पोएट ऑफ द गुजराती लैंग्वेज। ओके बच्चों, समझ में आ गया आपको नरसिंह मेहता के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं संत मीराबाई जी के बारे में। मीराबाई को तो सब लोग जानते हैं, है ना, आपने भी उनका कहीं ना कहीं पे तो नाम सुना ही होगा। तो मीराबाई ये भी भगवान की, भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी, गाती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ठीक है, सुना होगा ना। शी बिलोंग्स टू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़। देखो ये ना मेवाड़ का जो राजा, मतलब जो राजा महाराजा की फैमिली थी वो वहाँ से बिलोंग करती थी। और इन्होंने क्या किया था, जो राजमहल के सभी सुख साधन थे, ठीक है, उनको उनका सबका त्याग कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया और वो कृष्ण भक्ति में लग गई। उनको महलों के सुख से कोई मतलब, उनको महलों के सुख अच्छे नहीं लगते थे, उनको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही अच्छी लगती थी। उन्होंने कई सारे डिवोशनल वर्सेस, मतलब कई सारे भक्ति पदों की रचना की है राजस्थानी और गुजराती में। हर डिवोशनल वर्सेस गिव द मैसेज ऑफ डिवोशन, टॉलरेंस एंड ह्यूमैनिटी। और जो उनके डिवोशनल वर्सेज हैं वो हमको क्या मैसेज देते हैं, भक्ति का, टॉलरेंस का। टॉलरेंस मतलब क्या होता है, सहिष्णुता, ठीक है, एंड ह्यूमैनिटी मतलब मानवता की शिक्षा देते हैं। संत सेना वॉज एन इन्फ्लुएंशियल संत, एक संत सेना थे जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मतलब प्रभावकारी संत थे। संत रोहिदास वॉज अ ग्रेट संत, संत रोहिदास भी थे जो कि बहुत ही महान संत थे। ही गेव द मैसेज ऑफ इक्वलिटी एंड ह्यूमैनिटी, देखो इन्होंने भी इक्वलिटी और ह्यूमैनिटी की ही शिक्षा दी, है ना। लगभग लगभग इनकी टीचिंग्स तो सेम ही थी, इक्वलिटी एंड ह्यूमैनिटी, ये तो मेन रहता था कि सब लोग बराबर है एंड मानवता मतलब सभी के अंदर होनी ही चाहिए। अब यहाँ पे हम सूरदास की बात करेंगे, जो कि एक संत थे। तो सूरदास अ ग्रेट पोएट ऑफ हिंदी लिटरेचर, कंपोज द पोएटिकल वर्क ऑफ सुर सागर, डिवोशनल ऑफ कृष्णा इज द सब्जेक्ट ऑफ हिज वर्क। समझ में आया क्या क्या हुआ था,
ये क्या थे, मतलब इनको ना हिंदी लिटरेचर का पोएट माना जाता है, बहुत ही महान। इन्होंने बहुत सारे, मतलब इन्होंने भी ना बहुत सारे पदों की रचना की है। भगवान श्री कृष्ण के ये भी भक्त थे। और इनका एक पोएटिकल जो वर्क है वो किसमें दिखाई देता है बच्चों, सुर सागर में, ठीक है। इनकी रचनाएं वहाँ पर दिखाई देती हैं। एंड आगे देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, द वर्सेज ऑन कृष्ण भक्ति कंपोज बाय द मुस्लिम संत रसकान आर मेलोडियस। देखो एक मुस्लिम संत थे रसकान, इन्होंने ना कृष्ण भक्ति के बहुत सारे पदों की रचना की थी जो कि बहुत क्या है, मेलोडियस। मेलोडियस मतलब क्या होता है बच्चों, बहुत ही मधुर है, ठीक है। रामचरितमानस, अभी रामचरितमानस की यहाँ पे बात की गई है, तो इसको कंपोज किसने किया था, इसकी रचना किसने की थी, तो संत तुलसीदास जी ने की थी, जिसमें भगवान श्री राम जी के बारे में पूरा उनका जीवन यहाँ पे विस्तृत रूप में दिया गया है, किसमें, रामचरितमानस में, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं महात्मा बसवेश्वर की, तो इन कर्नाटका महात्मा बसवेश्वर स्प्रेड द लिंगायत स्ट्रीम ऑफ थॉट, मतलब इन्होंने क्या किया, लिंगायत जो विचारधारा थी ना उसको पूरे कर्नाटका में फैलाया, ओके। किसने, महात्मा बसवेश्वर जी ने। ही अपोज द कास्ट सिस्टम एंड स्ट्रेट द डिग्निटी ऑफ लेबर। देखो इन्होंने ये जो कास्ट सिस्टम होता है ना उसका विरोध किया, और जो लेबर, लेबर मतलब क्या, जो हमारी काम करना, ठीक है। लेबर मतलब क्या, लेबर मतलब क्या होता है, जो लोग काम करते हैं, मजदूर होते हैं, ठीक है। तो इसको उन्होंने मतलब ऐसा बोला कि अगर हम खुद से काम कर सकते, मतलब खुद अपना जीवन चला सकते, ठीक है, हम लोग अगर काम करते, क्योंकि हमारा, आपने सुना होगा हम कहते हैं ना कर्म ही पूजा है, अगर हम कर्म करते हैं तो एक तरह से समझो कि हम पूजा ही कर रहे हैं, तो इस तरह से इन्होंने भी कहा, ठीक है। आगे देखो, काय कवे कैलाश इज हिज वेल नोन सेइंग विच मीन्स वॉक इज कैलाश। देखो बच्चों जो अभी भी मैंने आपको बताया, इनका एक मतलब एक इनका ये हमेशा जो कहा करते थे, एक वर्ड था जो कि सबको पता था, ठीक है, जो भी इनके फॉलोअर्स थे उनको पता था कि काय कवे कैलाश, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि वॉक इज कैलाश। वॉक क्या है बच्चों, कैलाश है, इट मीन्स वॉक इज वॉशिप, कर्म ही क्या है, पूजा है। फिर उसके बाद क्या होता है, देखो ही एनकरेज वुमेन्स पार्टिसिपेटन इन हिज मूवमेंट, मतलब इनका जो मूवमेंट था इसमें इन्होंने मतलब जो महिलाएं थी, ठीक है, इनके पार्टिसिपेशन को क्या किया, इनकरेज किया। मेन एंड वुमेन बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट बिगेन टू पार्टिसिपेट इन द रिलीजियस डिस्कशन कंडक्टेड इन द हॉल अनुभव मंटप्पा। देखो एक हॉल था अनुभव मंटप्पा, जहाँ पे सभी डिस्कशन होते थे, तो उसमें मेन और वीमेन, ठीक है, चाहे वो जिस भी कास्ट के हो, सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। महात्मा बसवेश्वर कन्वेड हिज टीचिंग्स इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, दैट इज कनाडा। मतलब ये जो कौन थे, महात्मा बसवेश्वर, ये अपनी टीचिंग्स, ठीक है, मतलब जो भी इनके प्रवचन रहते थे वो कौन सी भाषा में देते थे, कनाडा, ओके, मतलब जो वहाँ पे लोकल पीपल लोग समझ पाए उस भाषा में, थ्रू द मीडियम ऑफ वचन लिटरेचर, वचन लिटरेचर के माध्यम से। हिज वर्क हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, और इनके कार्यों का सोसाइटी के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा। हिज फॉलोअर्स हैव कंपोज देयर वर्क इन मराठी ऑल्सो, मतलब जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने अपने वर्क को, ठीक है, उन्होंने मराठी में भी लिखा हुआ है। ऑफ दिस कॉम्पोजिशंस परम रहस्य कम्पोज बाई मन्मथ स्वामी इज वेरी वेल नोवन, मतलब ये जो कॉम्पोजिशंस थे, जो भी यहाँ पर रचनाएं की गई थी, इनमें जो परम रहस्य है इसको किसने, मतलब इसकी रचना किसने की थी, मन्मथ स्वामी जी ने की थी। ग्रेट संत इन कर्नाटका इंक्लूड पंप, अभी संतों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं जो कि बहुत महान थे, जैसे कि पंप हो गए, फिर पुरंदर दास, और भी अदर संत हैं जिनका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है। दे कंपोज मेनी डिवोशनल वर्सेज इन कनाडा, मतलब इन्होंने कनाडा में बहुत सारे भक्तिमय पदों की रचना की, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको भक्ति मूवमेंट में किसके बारे में हमने पढ़ा, सभी संतों के बारे में पढ़ा है ना, तो लगभग लगभग सभी संतों ने तो एक ही हमको संदेश दिया है कि हमें मतलब हमें मानवता दिखानी चाहिए, अगर हम मानव हैं तो हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए, और किसी के साथ भी हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबके साथ मिलजुल करके रहना चाहिए, है ना। सभी संतों ने आपको वही चीज़ बताया है, ठीक है। चलिए अभी हमको नेक्स्ट क्या पढ़ना है, चलो देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्या है, महानुभव पंथ। द
तो महानुभव पंथ कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो 13th सेंचुरी में, और इसको किसने किया था, चक्रधर स्वामी जी ने इस्टेब्लिश किया था, और कहाँ पे किया था, इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में, ठीक है। दिस सेक्ट प्रीचेस डिवोशन टू कृष्णा, और इन्होंने भी कृष्ण भक्ति की ही शिक्षा दी। श्री गोविंद प्रभु वॉज द गुरु ऑफ चक्रधर स्वामी, और चक्रधर स्वामी जी के गुरु कौन थे, तो गोविंद प्रभु जी थे। द फॉलोअर्स ऑफ द ऑफ चक्रधर इंक्लूडेड मेन एंड वीमेन बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट एंड क्रीड्स। देखो बच्चों क्या होता था कि जो चक्रधर स्वामी जी के फॉलोअर्स थे, ये मेन भी होते थे, वीमेन भी होते थे, जो कि अलग अलग कास्ट और क्रीड से बिलोंग करते थे। ही सपोर्टेड इक्वलिटी, और इन्होंने भी इक्वलिटी को ही सपोर्ट किया। ही ट्रैवल टू ऑल पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र प्रीचिंग इन मराठी, मतलब इन्होंने महाराष्ट्र के मतलब जो भी अलग अलग पार्ट्स थे वहाँ पे इन्होंने ट्रैवल भी किया और मराठी में अपने उपदेश इन्होंने दिए। ही प्रीफर मराठी इंस्टीट्यूट ऑफ संस्कृत, मतलब ये संस्कृत को छोड़ करके किसको प्रीफर करते थे, मराठी को, ठीक है, संस्कृत को प्रीफर, मतलब संस्कृत की बजाय इन्होंने मराठी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द मराठी लैंग्वेज, और इसकी वजह से जो मराठी लैंग्वेज था ना, इसका डेवलपमेंट हुआ। मेनी वर्क्स वर कंपोज्ड इन मराठी, और इनके बहुत सारे वर्क्स मतलब उनकी रचनाएं मराठी में की गई। ओके आगे देखो, दिस सेक्ट मेनली स्प्रेड इन द विदर्भ एंड मराठवाड़ा रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र, और ये जो सेक्ट था, ठीक है, ये कहाँ पर मतलब मेनली कहाँ पर फैला हुआ था, तो महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन में। रिद्धिपुर इन विदर्भ इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर द पीपल ऑफ दिस सेक्ट, मतलब इन लोगों के लिए एक विदर्भ में क्या था, एक प्लेस था रिद्धिपुर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है इन लोगों के लिए, क्योंकि समझिए एक तरह से उनका वो मेन प्लेस था, ठीक है, मेन स्थान था। दिस सेक्ट हैड रीच्ड अप टू फार अवे रीजन्स लाइक द पंजाब एंड अफगानिस्तान, और इनका जो मतलब ये जो मूवमेंट था, मतलब ये जो पंथ था, ठीक है, ये कहाँ तक गया बच्चों, पंजाब एंड अफगानिस्तान तक गया, इन रीजन्स तक गया, ठीक है, इतने दूर दूर तक गया। ओके अब देखिए यहाँ पर अगला हमको क्या पढ़ना है, गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ना है। तो गुरु नानक देव जी जो थे वो सिखों के पहले गुरु थे, एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। हिज वर्क हैज़ टू बी मैंशन एज अ ग्रेट अटेम्प्ट एट रिलीजियस सिंथेसिस, मतलब इनका जो वर्क था ना, ठीक है, इसने बहुत ही बड़ा प्रभाव डाला रिलीजियस सिंथेसिस के लिए। ही विजिटेड द होली प्लेसेज ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम, देखो बच्चों ये जो गुरु नानक देव जी थे ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के होली प्लेसेस पर गए थे, और ये मक्का में भी मतलब इन्होंने विजिट किया था, और तब जाके उनको रियलाइज्ड हुआ, मतलब जैसे वो मक्का में गए, फिर हिंदू के जो प्लेसेस होते हैं होली प्लेसेस वहाँ पर भी गए, और फिर ये क्या कहते हैं कि दोनों जगह पे जो भी ये प्लेसेस है, दोनों जगह पे जो भक्ति है ना वो सेम ही रहती है, फीलिंग ऑफ डिवोशन, मतलब भक्ति की जो फीलिंग है, ठीक है, वो क्या रहती है, सेम एवरीवेयर, ठीक है, कहीं पर भी अलग नहीं, ऐसा नहीं कि मक्का गए तो कुछ और हिंदुओं के कोई होली प्लेसेस है वहाँ पर गए तो कुछ और, ऐसा नहीं, सब जगह सेम ही रहता है। ही टॉट दैट ऑल पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, इन्होंने क्या बोला कि सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, और उनकी टीचिंग का मतलब वो उनका मेन मकसद क्या था, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम दोनों क्या हो जाए, एक हो जाए, एक हो जाए, उनमें एकता हो। ही इम्फेसाइज्ड चार्ज बिहेवियर, मतलब वे जो थे ना वे शुद्ध आचरण में विश्वास रखते थे, मतलब वे चाहते थे कि सब लोग कैसा आचरण करें, शुद्ध आचरण करें एक दूसरे के साथ, और इसी के ऊपर उन्होंने बल दिया। ओके मेनी पीपल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक, गुरु नानक की टीचिंग से बहुत लोग प्रभावित हुए, और इनके जो फॉलोअर्स थे ना ये दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे थे। द फॉलोअर्स ऑफ गुरु नानक आर नोन एज सिक्स, और जो मतलब फॉलोअर्स होते थे गुरु नानक देव जी के, उनके शिष्य, उनको क्या कहा जाता था, सिक्स कहा जाता था, मीनिंग डिसिपल्स। आगे देखो, द आदि ग्रंथ ऑल्सो नोन एज द गुरु ग्रंथ साहिब इज द होली बुक ऑफ सिक्स, देखो बच्चों जो सिक्स होते हैं इनका पवित्र ग्रंथ क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि मतलब सबसे पहले उसको आदि ग्रंथ कहा जाता था, लेकिन इसको इस नाम से भी जाना जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब नाम से
जाना जाता है। द आदि ग्रंथ इंक्लूड्स कंपोजिशन ऑफ गुरु नानक, संत नामदेव, संत कबीर एंड अदर संत्स। मतलब ये जो आदि ग्रंथ है इसमें क्या क्या इंक्लूड है, जो गुरु नानक देव जी की रचनाएं हैं, फिर संत नामदेव के जो रचना है, संत कबीर जी की रचनाएं, ठीक है, ये सारे संतों की रचनाएं इसमें है, ठीक। गुरु नानक वॉज सक्सेसेड बाई 9 गुरुज ऑफ द 6। देखो बच्चों, जो गुरु नानक देव जी थे उनके बाद सिखों के कितने गुरु हुए, 9 गुरु हुए। समझ में आ रहा है, गुरु नानक के बाद सिखों के 9 गुरु हुए। गुरु गोविंद सिंह वॉज द 10th गुरु ऑफ द 6। मतलब जो गुरु गोविंद सिंह जी थे ये ना सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है। आफ्टर गुरु गोविंद सिंह सिक्स रिगार्ड द गुरु ग्रंथ साहिब एज देयर गुरु एज पर द ऑर्डर ऑफ गुरु गोविंद सिंह। मतलब क्या हुआ इसका कि अभी गुरु गोविंद सिंह के बाद जो सिक्स थे ना वो गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मानते थे, ठीक है। उन्होंने जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने कहा था कि आप लोग का असली गुरु कौन, गुरु ग्रंथ साहिब है ना, तो उनके टीचिंग के अनुसार ये लोग क्या करते थे, जो गुरु ग्रंथ साहिब जो ग्रंथ है इनका पवित्र ग्रंथ उसी को अपना गुरु मानते थे। समझ में आया। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं द सूफी सेक्ट की, ठीक है। तो दिस इज अ सेक्ट इन इस्लाम, तो ये इस्लाम का सेक्ट है। द सूफी संत बिलीव दैट गॉड इज फुल ऑफ लव एंड द ओनली वे टू रीच हिम इज अ थ्रू लव एंड डिवोशन। देखो ये लोग क्या मानते थे कि जो भगवान है ये पूरा प्रेम से भरे हुए हैं और इन तक पहुँचने का मार्ग क्या है, ओनली लव एंड डिवोशन, मतलब भक्ति और प्रेम। देयर मेन टीचिंग आर लव फॉर ऑल लिविंग बींग्स, मेडिटेशन एंड सिंपल लिविंग। और इनका मेन टीचिंग मतलब ये जो इन्होंने जो भी टीचिंग की जो भी बताया उनमें मेनली क्या क्या था कि जो भी लिविंग बींग्स हैं उनके साथ प्रेम से रहो, उन पर दया दिखाओ, मेडिटेशन मतलब ध्यान करो, और सिंपल लिविंग सिंपल सा आप जीवन जियो, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन अवलिया वर ग्रेट सूफी संत। मतलब यहाँ पे जो नाम दिए गए ना संतों के, ये सभी ग्रेट मतलब महान सूफी संत थे। द टीचिंग्स ऑफ सूफी संत लेड टू यूनिटी इन द हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज। देखो इनकी भी टीचिंग क्या थी कि हिंदू मुस्लिम सभी क्या हो जाए, एक हो जाए, इनमें एकता हो। सूफी म्यूजिक हैज़ मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन म्यूजिक। मतलब जो सूफी म्यूजिक है ना, इस इन्होंने जो इंडियन म्यूजिक है इसमें वैल्यूएबल मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। द पाथ ऑफ भक्ति टॉट बाई द संत वॉज ईजी टू फॉलो फॉर द कॉमन पीपल। देखो बच्चों, ये जो भक्ति ये जो हमारे संत हैं, समझ में आ रहा है आपको, ये जो संत के बारे में हमने ये पूरा चैप्टर में पढ़ा, तो इन्होंने अगर इनको हम फॉलो करते हैं, ठीक है, द पाथ ऑफ भक्ति टॉट बाई द संत मतलब इन्होंने जो भक्ति का पाथ बताया है ये बहुत ही मतलब एक कॉमन पीपल के लिए फॉलो करना बहुत ही ईजी है। ओके, जो भी ये लोग ने बताया है, इन्होंने ज़्यादा कोई बहुत बड़ा व्रत नहीं बताया, बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं बताया, इन्होंने सिंपल सी चीज़ें बताई हैं कि इस मार्ग पर चलकर हम भगवान को पा सकते हैं। द भक्ति मूवमेंट वॉज ओपन टू ऑल मैन एंड वीमेन। देखो जो भक्ति मूवमेंट था ये सभी के लिए ओपन था, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो। द संत एक्सप्रेस दियर थॉट्स इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। जो संत थे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या किए हैं, उनके थॉट्स को जो मतलब लोगों के लैंग्वेज होते थे उनके रूप में उन्होंने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस किया है, राइट। हमने देखा था ना जो बसेश्वर जी थे उन्होंने अपने टीचिंग्स को कनाडा में दिया, राइट। वैसे ही अलग अलग संतों ने, किसी ने मराठी में दिया, जो लोगों को इजीली समझ में आ सके उन्होंने उस लैंग्वेजेस का यूज़ किया। द कॉमन पीपल फाउंड देम क्लोज टू देयर हार्ट। देखो अगर उनके भाषा में रहेगी तो जो लोग हैं उनको ऐसा रहेगा कि ये हमारी भाषा है, ठीक है, उनके हार्ट तक वो जाएगा। द भक्ति मूवमेंट हैज़ कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द मेकिंग ऑफ द इंडियन कल्चर। मतलब ये जो भक्ति मूवमेंट है, ठीक है, इसने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है इंडियन कल्चर को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए। ओके बच्चों, इस तरह से यहाँ पर आपका ये जो लेसन था, लेसन नंबर 3 रिलीजियस सिंथेसिस यहाँ पे कंप्लीट होता है। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने ट्राई किया कि मैं आपको बहुत ही मतलब मैंने अपना फुल 100% दिया है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कुछ भी अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो सॉरी फॉर दैट। ओके,
क्योंकि मैं आप लोग को यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, देखो बच्चों मैं ना हिस्ट्री नहीं पढ़ाती हूँ, मैं हिस्ट्री की टीचर भी नहीं हूँ, लेकिन आप लोग मुझसे कहते हो कि टीचर आप हिस्ट्री पढ़ाओ, तभी जाके मैं हिस्ट्री मतलब पढ़ाती हूँ। इसलिए आप देख लेना थोड़ा, कहीं पे कुछ भी अगर मैंने गलत वर्ड्स बोल दिया हो सो प्लीज़ मैनेज कर लेना। ओके चलो ठीक है, थैंक यू।